नहीं जी, 10 ही चला रहे हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें अपनी गलतियों का पता है कि नहीं पता। नहीं जी, फ़ोन कॉल कर रहे हैं किसी को, पूछेंगे कि क्या मसला है, ई चलान क्यों हुए हैं। अब शायद उन्हें तो शरीफ आदमी को ये नहीं पता वायलेशंस क्या होती हैं। इनको जाने अनजाने में गाड़ी लेने के बाद इन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र ही नहीं कराई। अब हो यूँ रहा है कि शायद इन्होंने चलान ना किए, शायद पिछले ऑनर ने किए, लेकिन पे इन्होंने करने हैं। किसी की भी हो, चलान तो भुगतना है। जो ऊपर पीसीओ बैठे हुए हैं सीसीटी अथॉरिटी के, उन्होंने अभी कॉल की है, उन्होंने बताया कि इस गाड़ी के 3 चलान ऑलरेडी हो चुके हुए हैं पहले, इसने मजीद नेक्स्ट चलान चलानों से बचने के लिए ये एक डिजिट मिस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर बख्त और आप देख रहे हैं पुलिस लॉग। नाज़रीन, आप घर जाते हैं, आपके घर एक ई चलान आया होता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपसे वायलेशन हो गया, ई चलान आ गया है। आप कहते हैं कि मैं तो वायलेशन नहीं करता, फिर ई चलान क्यों आया? नाज़रीन, गलती होती है तो वायलेशन हो जाती है, उसी वायलेशन की वजह से ई चलान आता है। आज मैं आपको बताऊँगा वो कि वो छोटी छोटी गलतियाँ क्या है जिसकी वजह से वायलेशन होती है और ई चलान आता है। वेलकम टू द पुलिस लॉग। नाज़रीन, मैं लाहौर के इस वक्त एक और मशहूर चौराहे पे मौजूद हूँ, चौक में मौजूद हूँ। लोगों ने वन वे वायलेशन। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर वो पीछे कैमरे लगे हैं, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये पैदल चलने वालों को हक है, आपने हक मार दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पीछे ही खड़ा था, लेकिन पीछे से गाड़ियाँ जो मान लिया, आप देखा देखिए, चलान तो आपने पे करना है, उन्होंने तो नहीं ना करना आपका। चलान हुआ है कभी आपका, ई चलान हुआ है? जी सर, काफ़ी दफ़ा हुआ है। काफ़ी दफ़ा हुआ है, तो एक मरतबा इंक्रीज इजाफा आपने कर लिया। लेकिन सर ये भी तो देखें ना, पीछे से हॉर्न वो गाड़ी सर देखें, वायलेशन खुद करते हैं और जिम्मेदार दूसरे को ठहरा देते हैं। बात करते हैं, और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपने वायलेशन कर दी है, चलान आपका आएगा पीछे। सर इशारा बंद हो गया था एकदम, एकदम। लेकिन सर वो मान लिया, ये आपका चलान नहीं करते, वो कैमरा लगा पीछे, उसके लिए ये पैदल चलने वालों का हक है, ये पैदल चलने आपने हक मार दिया। अब कैमरे ने तो आपको माफ़ी नहीं देनी, 200 रुपये आपका गया, क्या कहेंगे इस बारे में? आपको नेक्स्ट करेंगे? अचानक बंद हो गया, पीछे से आ रहे थे रास्ता। नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये लोग सारे के सारे स्टॉप लाइन से आगे हैं, ये लेन ज़ेब्रा की वायलेशन कर रहे हैं, पैदल चलने वालों का हक, ये देख रहे हैं, एक आदमी भी उनके आगे से गुजर रहे हैं। लेकिन हम शायद ये नहीं जानते, ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे घर में जो ई चलान आते हैं उसकी सिर्फ ये रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो आपने हेलमेट नहीं पहना, दूसरा वो कैमरा लगा हुआ है, आप पैदल चलने वालों का हक मार दिया आपने, मान अब क्या करेंगे आप, क्या कहते हैं इस बारे में? सर सॉरी करते हैं। सॉरी ना करें, कैमरा तो चलान कर देगा आपका। वो तो हो गया, वो हो गया। पहले कितने चलान हुए आपके? पहले मैं एक हुआ, अब एक और कर दिया। पता भी है आपको, रूल्स हैं, कैमरे चलते हैं, ऐसा क्यों किया आपने? वो गलती पता ही नहीं चला मैं। अब इसका खुमियाजा तो जेब पे भारी पड़ेगा। कोई मसला नहीं, वो तो जुर्माना भरना पड़ना करेंगे। नहीं मकनर इसको करना। चलो जी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, उनको कोई मसला नहीं, 200 का चलान है तो कोई मसला नहीं, मत चलते मैं, गलती हो गई। चलो जी मान लिया उन्होंने अपनी गलती को, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने सामान लादा हुआ है लेकिन आपने वायलेशन कर दी है, ये पैदल चलने वालों का हक आपने मार दिया, पीछे बाइक है, आप पिछलों को टकराएंगे, पहले ई चलान हुआ है आपका? जी हुआ है। तो सर फिर एक और ई चलान, वो खड़ा था मैं इसलिए। सर आप उसकी देखा देखिए आगे, पैसे तो आपने देने हैं, उसने उसका तो चलान ही नहीं होना, तो वो तो हाई रेडी पे है। ठीक हो गया जी, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आप क्या कह सकता हूँ जी, नेक्स्ट टाइम करेंगे आप? नहीं चले, आपको यकीन दहाने के लिए, याद दहाने के लिए 200 का चलान तो आ जाएगा। आपका शुक्रिया जी। नाज़रीन में लाहौर के इस वक्त एक और बड़े मशहूर चौराहे पे, जिसे इंटरसेक्शन चौक में मौजूद हूँ, वायलेशंस देखते हैं लोग, ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये चलान घर में तोहफ़तन आ जाता है और फिर वो पे ऑफ भी करना पड़ता है। लोग मानते नहीं है कि हमारी गलती है, आज इन्हें गलतियाँ भी गिनवाएंगे और उन्हें ये बताएंगे इन गलतियों को अजाला कैसे मुमकिन है, इन गलतियों से बचना कैसे है। ये देखें अभी ये ट्रैफिक वार्डन भाई चेक कर रहे हैं, इनमें से एक आधी गाड़ी होगी जिसका कोई ई चलान होगा। अब ई चलान वो जो कैमरे वाला डिपार्टमेंट है जिसे सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पे बैठे हुए जो ऑफिसर हैं इन्हें बताएंगे कि फलानी गाड़ी का ई चलान है, लोगों से जानेंगे, उन्हें ई चलान का पता है कि नहीं पता, जो वायलेशन की है कि नहीं की, उनसे बात करते हैं। आइए सर, आपने गाड़ी रोक रही है, कितने चलान है? जी ये गाड़ी ई चलान डिफॉल्टर है, इस गाड़ी के 10 ई चलान है। नहीं जी 10 ई चलान है, इनसे पूछते हैं इन्हें अपनी गलतियों का पता है कि नहीं पता। आपको इल्म है कि आपकी गाड़ी के 10 ई चलान से आपको डिलीवर हुए? गाड़ी आपके नाम है? गाड़ी तो
का नाम है? वालदा के नाम है। एक घर में रहते हैं आप? नहीं, वो बेसिकली वहाँ उनका एड्रेस है, वहाँ डिलीवर हुआ है जो एक्साइज में आपने लिखवाया हुआ है। तो आप लोगों ने अभी तक वो पे नहीं किया, आपकी ई चलान डिफॉल्टर गाड़ी है, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की तरफ से इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। कैमरों वाले जो चलान होते हैं वहाँ से ई चलान, आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन बुक, अपना लाइसेंस और आईडी कार्ड दिखाइए। ले जी उन्हें, शायद आपको पता है आपने वायलेशंस की हैं? नहीं मुझे आईडिया नहीं, क्योंकि इन शायरी को पता ही नहीं कि उन्होंने वायलेशंस की हैं। देखते हैं इनकी क्या वायलेशंस थी और इनको क्यों नहीं पता। बेसिकली गाड़ी क्योंकि ज्यादा कजन भी यूज कर रहा है और बाकी भी यूज कर रहा है तो उसका आईडिया कोई नहीं। लेकिन भाई चलान तो चलान है, नहीं चलान आया नहीं ना, बेसिकली चलान आया अभी चेक हो जाता है। किनके नाम है जी? शहनाज अख्तर के नाम पे इनकी गाड़ी है। इनका जो बायोडाटा है हमें सेफ सिटीज के जो पीसीओज है, हाँ जी, वो हमें बजरिया वायरलेस बताते हैं कि ये किसके नाम पे गाड़ी है, कितने चला रहे और ई चलान डिफॉल्टर है गाड़ी। तो फिर उस लिहाज से हम इनकी गाड़ी बाहर निकालते हैं और इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक हो गया। और सी दी जाती है। आपको पता था कि कितने चलान हुए? एक चलान का भी पता आपको? वायलेशन करते हैं आप, सिग्नल जंप करते हैं? बेसिकली मैंने सिग्नल मैं नहीं करता, बेसिकली गाड़ी जो है बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, कजन भी यूज कर रहा है, भाई भी यूज कर रहा है, मैं भी उनकी साइड से चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ एक गाड़ी को मुख्तलिफ अफराद चलाते हैं, घर के हैं या यार दोस्त भी मांग के ले जाते हैं, तो वायलेशंस कर देते हैं, लेकिन जो उसको पे करना पड़ता है वो ऑनर को करना पड़ता है, क्योंकि उसके नाम पर जाए उसने पे जी जी, क्योंकि ये जो ऑनर होता है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी गाड़ी का, वो किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, इसमें खुदा न खासा कोई क्राइम हो जाता है तो वो भी फिर जो ऑनर है उसको पूछा जाता है। ले जी फोन कॉल कर रहे हैं किसी को, पूछेंगे कि क्या मसला है, ये चलान क्यों हुए हैं। अब शायद उन्हें तो शरीफ आदमी को ये नहीं पता वायलेशंस क्या होती हैं। असल में हमने इनसे रजिस्ट्रेशन मांगी है और वो शायद पूछ रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पड़ी हुई है बुक, ये भी लोगों को पता नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, और लाइसेंस आईडी कार्ड भी जो है वो भी हम रिक्वायर करते हैं, लेकिन वो भी लोगों के पास नहीं होता आमतौर पर, और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो फिर उनकी गाड़ी को हम थाना में बाउंड करते हैं अनटिल वो अपने चलान पे कर दे। अच्छा, अब इनके साथ अब क्या होगा? जी जी, अगर इनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस आईडी कार्ड या गाड़ी के कागजात हैं तो वो हम इनसे जब्त कर लेंगे और इनको एक रसीद दे देंगे और इनको कहेंगे कि 10 दिन के अंदर अपने ये चलान कैसे देंगे? ये रियल जी जी इलेक्ट्रॉनिक है, वो हम डिवाइस दिखाते हैं आपको, प्रिंटर है हमारे पास छोटा सा, सेफ छोटा सा प्रिंटर है जी, सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से हम मुहैया किए गए हैं, वायरलेस सेट है और साथ प्रिंटर्स है, तो वो उनमें से हम निकाल के दे देते हैं और 10 दिन का टाइम देते हैं, उसमें ये पे कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर गाड़ी दोबारा पकड़ी गई तो वो बंद होगी और जब तक ये जमा नहीं करवाते, अगर ये मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो गाड़ी को अभी हम बंद। सब उस शरीफ बंदे को तो पता नहीं वो वायलेशन करता है, उसको पता कैसे होगा जब गाड़ी उसकी नहीं है? अच्छा, जो ऑनर होता है उसको हम मैसेज भी करते हैं, जो सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से मैसेजिंग हो रही है कि आपकी ये वायलेशन है, आपने इतने चलान करवाए हुए हैं, जमा करवाए, पोस्ट भी जाते हैं, बाय पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट के जरिए ऑनर का जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जो उसने एड्रेस लिखवाया हुआ है उस पर डिलीवर होते हैं, लोगों को पता होता है, हाँ, लेकिन जानबूझ के जमा नहीं करवाते, लिहाजा ये ब्लैक लिस्ट है, इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी जी, अभी उन्हें पूछें सर उससे, ये सर हो गई है बात, चलान वगैरह कह रहे थे सी भी नहीं हुआ, अभी आपको बता देते हैं, चलान आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, हम आपको ईमेल आईडी भी दे देते हैं, उस पर आप मेल करेंगे तो आपको वो मेल के जरिए ही सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो चलान सेंड कर देगी, आप उनको निकाल के बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में पूरे पंजाब में जमा हो सकते हैं, लेकिन अभी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस आईडी कार्ड या गाड़ी के कागज़ जो भी आपके पास मुयसर है वो हमें दें, हम उसको कन्फिस्केट कर लेंगे, आपको रसीद दे देंगे, आप जमा करवा के हम उसे वापस लेंगे। अब उनसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, अभी चलान पे ना भी कर पाए तो उनको एक स्लिप दी जाएगी कि 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने चलान पे करना है, अदरवाइज ये गाड़ी जब पकड़ी गई ये बंद हो जाएगी, उनको मजीद परेशानी से गुजरना पड़ेगा। मेरा भाई इनसे बात कर, इनको आप ब्रीफ कर दें जो मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि आप बात कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी सर मैंने जी जी सर ये दो मेथड है, एक आप वेबसाइट है सेफ सिटी अथॉरिटी की, वहाँ से आप ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी 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 जी, वो आपको ना आपको मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही है चेक करने में, इनफैक्ट जो ऑनर होता है ना उसका आईडी कार्ड नंबर भी उसमें चाहिए होता है और उसको पुट करने का एक तरीका है, लेकिन मैं आपको ना एक ईमेल आईडी बता देता हूँ, वो आपके जो भाई हैं इनको बता देता हूँ, जो हम रसीद देंगे उस पर लिखी होगी, आप उस पर मेल करें तो वो सेफ सिटी अथॉरिटी आपको मेल के अंदर ही जो है वापस आपके ई चलान सेंड कर देगी, आप उनकी जो है क्या प्रिंटर से प्रिंट निकाल के उसको बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा दें। इसके 10 चलान हैं, 10 चलान हैं सर, इसके 10 जी 10 हो गए। इनफैक्ट ना ये गाड़ी जो है ना आपके नाम नहीं है, जो ऑनर होता है उसको यहाँ से मेल होती है। जी 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 जी
वो भाई कह रहे हैं कि हमने ना चेंज किया हुआ है, हम और जगह पे होते हैं और वो जो ऑनरशिप है उसका एड्रेस और है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है जी। जी आपको आपको यहाँ आने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है भाई, से मैं कोई डॉक्यूमेंट रख लेता हूँ जी। जी गाड़ी बंद नहीं कर रहे आपकी, आपकी अब आपकी अभी ना गाड़ी, आपकी अभी गाड़ी बंद नहीं करेंगे भैया, आपसे ना लाइसेंस आईडी कार्ड या कागजात इनसे जमानत के तौर पर हम रखेंगे, मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको टाइम देंगे, आप उसमें जमा करवा के वापस ले लीजिएगा। लें जी, उन्होंने उनको कह दिया कि आईडी कार्ड ई चलान कोई, वो उन्होंने अपना आईडी कार्ड दे दिया। अभी ये अगला मेथड आपको बताते हैं। अच्छा लो जी, आईडी कार्ड ले लिया, अगर आपकी गाड़ी के चलान है आपकी गाड़ी को फौरन बंद नहीं किया जाएगा जी। जी आपसे आईडी कार्ड या कोई ऐसी चीज़ ली जाएगी, उसको नोट किया जाएगा, आपको एक स्लिप दी जाएगी, फिर सर उसके बाद वो स्लिप अपना आईडी कार्ड कब वापस लेंगे? ये सर ये जमा करवा के अपना जो है वो हमारा ट्रैफिक सेक्टर है यहाँ। अच्छा जी, ट्रैफिक सेक्टर माल टू है इस एरिया का, वहाँ से ये अपने आईडी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट हमें देंगे वो चलान जमा करवाने के बाद वहाँ आके दिखाएंगे, मैंने जमा करवा दिए, तो वो हमारा वहाँ टिकटिंग ऑफिसर होता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इनको फिर रिटर्न कर देगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी हम रसीद कैसे जनरेट करते हैं। हमारे पास LTE सेट है, MDT सेट है, वायरलेस सेट है। इसके अंदर जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, है। उसमें गाड़ी का ये नंबर हमने पुट किया है LEC 13 मॉडल 5465। ठीक हो गया। हाँ जी, इसके ये यहाँ ना रिकॉर्ड आ गया कि ये टोटल चलान इसके 10 है, टोटल अमाउंट इसकी फाइन की 5000 है। राइट हो गया। हाँ जी, अभी इनसे मैंने NIC जो है CNIC जो है वो जब्त किया है, ठीक है, तो उसकी मैं अभी इनको रसीद दूंगा और इनको टाइम देंगे 10 दिन का कि आप जमा करवा के ये देखें। अब इन्होंने वहाँ से एप्लीकेशन एक है सेफ सिटी ने दी हुई है इन्हें जी, ये अभी 10 चलान है, 5000 इनका फाइन है, डॉक्यूमेंट कन्फिस्केटेड, ये मैं लिखूंगा इसका CNIC। ठीक हो गया। नेक्स्ट अभी ये प्रिंट चलान का ऑप्शन अच्छा। आएगा। हाँ जी, इसमें अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये प्रिंट हो रहा है। नहीं जी, ऑटोमेटिक तरीका है, एप्लीकेशन में नंबर डाला है गाड़ी का, ये जो गाड़ी चला रहे थे ये अभी फिल वक्त ही नहीं ऑनर समझा जाए, गाड़ी जो चला रहे हैं इनको जाने जाने में गाड़ी लेने के बाद इन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र ही नहीं कराई। अब हो यूँ रहा है कि शायद इन्होंने चलान ना किए हो, शायद पिछले ऑनर ने किए हो, लेकिन पे इन्होंने करने हैं। अभी सर ये पे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये सर इनको रसीद दे दी है कि इनसे हमने डॉक्यूमेंट लिया है CNIC। अच्छा। अभी ये इनको मैं ईमेल आईडी है वो बता देता हूँ, उस पर ये मेल करेंगे तो आप इनको चलान आ जाएंगे, ये पे करेंगे। कितने दिनों के अंदर? ये 10 दिन के अंदर इन्होंने जमा करवाने हैं और उसके बाद इसकी गाड़ी जो है वो पकड़ी जाएगी दोबारा और बंद कर दी जाएगी अगर ये जमा नहीं करवाते। सर परेशानी फेस करनी पड़ी है ना अभी? जाहिर है यार, पता नहीं क्योंकि जाहिर है अब जितने भी नंबर ऑफ ऑनर्स होते हैं वो अब क्योंकि ये ट्रांसफर हुई है ना बेसिकली, तो फिर आपने अपने नाम क्यों नहीं करवाई? नाम बेसिकली मदर के नाम पे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ ये है कि कोई कजन भी ले जाते हैं, कोई ये ले जाते हैं, अब पता नहीं किसने ओवर स्पीडिंग की है या शायद में भी किसी की भी हो, चलान तो भुगतना। नाज़रीन यही वो बात है, ये एक गाड़ी हम लोगों को पकड़ी है तो हमें डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे ना। अच्छा, तो हमने वो पीछे जो सेफ सिटी अथॉरिटी के PCOs हैं उनको बताया कि वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस रिस्पांस यूनिट होता है जो बैकअप पे होता है वो उनको उन्होंने कॉल कर दिया, थोड़ी देर में वो आ जाएगा और इस गाड़ी को ले जाएगा। आपने चलान किया, आप नहीं कंप्लायंस करेंगे, नहीं मानेंगे मैंने चलान किया, तो पुलिस वाले आपकी गाड़ी को लेके थाने में चले जाएंगे। इतनी परेशानी से बचने के लिए आपको उनके साथ कोऑपरेट भी करना है, कोई ना कोई चीज़ देनी है। गलती आपने की, आपसे पहले ऑनर ने की, जान के की, दानिश्ता की, गैर दानिश्ता की, चलान आपने पे करना है, ये रूल है। सर क्या ईमेल आईडी है जी? जी ये ईमेल आईडी है इनकी ETCLHR ETC इलेक्ट्रॉनिक टिकट चलान LHR लाहौर @PSCA.GOP.PK ये ईमेल आईडी है सेफ सिटी का। इसके इस पे ईमेल करके आप अपने चलान वापस ले सकते जी, हैं। जी जी जी, कोई भी शख्स जिसको चलान समझता है कि नहीं मिला या किसी और के नाम गाड़ी थी इन्होंने ट्रांसफर नहीं करवाया, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाएं ताकि लोगों को ये मेमोर याद रह जाए ETCLHR@PSCA.GOP.PK। अगर आपसे चलान हो गया और आप चाह रहे हैं कि इस तरह की परेशानी जिस तरह से ये हमारे भाई गुजरे हैं ना गुजरना पड़े, इस ईमेल आईडी पे अपनी गाड़ी के कागजात और उसके नंबर के साथ ईमेल करें, वो आपको आपके चलान भेज देंगे ताकि आप कहीं ऑफिस जाते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए, किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जाते हुए इस तरह जिसे कह सकते हैं खवारी से ना आपको गुजरना पड़े। सर वो गाड़ी आपने रोकी हुई उसका क्या सीन है? अच्छा, उसके भी चलान है लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट देने से कासर है। अच्छा, तो इसलिए हमें रिक्वेस्ट किया। लोग इस तरह करते हैं कि चलान होते हैं, मानते नहीं हमारा चलान है। नहीं, फिर चलान मान भी लेते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम जमा करवा लेंगे, हमें आप जाने दें बस। अच्छा, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें।
ना कोई हम डॉक्यूमेंट देंगे और ना ही हम गाड़ी बंद करवाएंगे। तो फिर हमें हेल्प लेना पड़ती है, फिर हमें थाना पुलिस की हेल्प लेना पड़ती है। पीछे हम जो पीसीओज हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो फिर आगे से मैसेज पास करते हैं डॉल्फिन को, पीआरयू है। ले जी, अब इन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया, अब सर क्या होगा? इनकी जो गाड़ी जो है ना, टोटल 25 वायलेशन थी, 5 इन्होंने जमा करवाए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। और ओवर स्पीडिंग और जमा कराए हुए, बताया जो ऑन स्पॉट आए जमा करा दिए, जो आए नहीं हम लोगों का हम कैसे जमा कराते हैं? जहाँ पे सर 5 चलान इनको पोस्ट हुए हैं, वहाँ पे 20 चलान भी पोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट है। और ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स देने से इनकारी थे, इसलिए हमने पुलिस को कॉल की है, ये पुलिस स्क्वाड को, जी पुलिस रिस्पांस यूनिट, राइट। और उन्होंने विद इन 2 मिनट्स जो है वो रिस्पांस दिया, ठीक। नाज़रीन, पीरू वालों को बुला लिया गया था, जो हमारे शहरी थे वो हमारे साथ कोई तावन नहीं थे कर रहे। पीरू वाले आए हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें थोड़ी रियायत दी है, आईडी कार्ड ले लिया गया है, उन्हें एक रसीद दे दी गई है कि चलान जमा कराएं, उसके बाद वो ले सकते हैं, और इसके बाद वो 10 दिन के अंदर अंदर चलान जमा करा के वापस ले सकते हैं। पीरू की मदद ली गई, अब आपके साथ भी खुदा ना खास्ता ये हो, आपको अपने चलान को जमा कराना है, और अगर आप चलान नहीं देंगे, आईडी कार्ड भी नहीं देंगे, अपना लाइसेंस भी नहीं देंगे, तो आपकी गाड़ी को इन पुलिस अहलकारों के थ्रू थाने में बंद करवा दिया जाएगा। इस पूरी परेशानी से बचने के लिए सिर्फ एक हल है, 5 वायलेशंस को ना करें, और अगर वायलेशन हो गई है तो चलान को जमा करवाएं, दिल बड़ा करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें आप। आइए चलते हैं आगे। ले नाज़रीन, एक हमारे पास शहरी को रोक लिया गया है, वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की वायलेशन कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भजन, स्टॉप लाइन वो है, वो पीछे कैमरे लगे हैं, आप जो पैदल चलने वालों का हक मार रहे थे, आप ज़ेब्रा लाइन की वायलेशन कर रहे थे, आपको पता है? पैदल वाला रास्ता तो ये है सर। नहीं, पैदल वालों का रास्ता वो सफ़ेद लाइन है ना, और आपने वो वाइट लाइन के पीछे खड़े होना है। मेरी ब्रेक आगे लगी है, थोड़ा स्पीड में था इस। लेकिन सर वो कैमरे की ब्रेक तो नहीं लगनी चलान से, कैमरे ने चलान कर दिया तो फिर क्या होगा? एक्सक्यूज करता हूँ। नहीं सर, मेरे साथ आप एक्सक्यूज करें, इनसे करें, बात चल जाएगी, क्योंकि लॉ को इन्होंने इन्फोर्स करना है। लेकिन चलान जो कैमरे को तो माफ़ी नहीं ना, उसने तो चलान कर देना है। जी बिल्कुल ऐसे। अब वो 200-300 का जो चलान आएगा उसका क्या करेंगे अब आप? सर जो जुर्माना आएगा वो तो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे आप? पाकिस्तान का हिस्सा हम। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे। हेलमेट भी नहीं आपने पहना, डबल वायलेशन। ये मेडिकल मेरे पास है इसीलिए सर। अच्छा सर, नहीं जी, मेडिकल उनके पास है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का हिस्सा है, चलान पे करेंगे और नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। सर क्या होगा इन्हें अब, रियायत मिलेगी? जी रियायत तो नहीं, ये जो सीसीटीवी के कैमराज हैं वो 24 घंटे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो भी लेन लाइन और ओवर स्पीडिंग और जो सिग्नल जंप करते हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो सीसीटीवी के कैमरा जो है वो कवर कर लेते हैं और उसको जो है चलान इशू करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इनको भी जो है वो 200 रुपीज़ जो है वो जुर्माना हो चुका हुआ है। अच्छा नाज़रीन, अभी एक बात पता लगी है कि लोग ई चलान से बचने के लिए अपनी जो नंबर प्लेट्स हैं उसके ऊपर से कोई ना कोई एक डिजिट मिटा लेते हैं ताकि नंबर प्लेट के ऊपर चलान ना हो। ये देखें भाई ने, बाकी सारा नंबर इनका नज़र आ रहा है, एक नंबर नज़र नहीं आ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी का पिछला नंबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाड़ी का अगला नंबर है उसमें से एक डिजिट मिटा हुआ है। देखते हैं इसकी क्या रीज़न है और इनसे पूछते हैं। जो ऊपर पीसीओ बैठे हुए हैं सीसीटीवी अथॉरिटी के, उन्होंने अभी कॉल की है, उन्होंने बताया कि इस गाड़ी के 3 चलान ऑलरेडी हो चुके हुए हैं पहले, इसने मजीद नेक्स्ट चलानों से बचने के लिए ये एक डिजिट मिस किया हुआ है। ये जानबूझ के इन्होंने एक्ट किया है जो कि इंतहाई गलत है, और इसके ऊपर जो है वो पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट इनको लेके जाएगी। आइए आपको वन वे वायलेशन और जो लेन लाइन वायलेशन है वो भी दिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात लोग जो रॉन्ग टर्न लेते हैं वो भी आपको यहीं पर नजर आएगा। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, 2-3 वायलेशन यहाँ पे होती नजर आ रही हैं। ये सर इन्होंने वायलेशन की है जो लेन लाइन एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग की वायलेशन। अच्छा। की है। हाँ जी, लेन एंड लाइन की भी वायलेशन की है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी वायलेशन की है इन्होंने। सर इशारा रेड था, आपने लेन लाइन की वायलेशन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी वायलेशन की। शायद रेड नहीं था, ग्रीन था जब मैंने उसको गाड़ी क्रॉस करने को आया। देखिए ना, खड़े स्टॉप लाइन वो पीछे है, स्टॉप लाइन पीछे। शायद आपने ना नोटिस किया हो, मैंने नोटिस किया। आप जैसे मर्जी एक्सप्लेन करें, वो जो कैमरा लगा उसने तो चलान कर देना है। हमने पहले कभी चलान हुआ है आपका? पहले हुआ हुआ होए में चलान। क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं कंप्लायंस कर रहे? 5 गलतियों की वजह से चलान होते हैं। 5 गलतियों से चलान होते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने अभी जब इस गाड़ी को क्रॉस किया तो मैंने पहले देखा है इशारा क्या था। इशारा तब ग्रीन था, ये अभी रेड हुआ है। लेकिन सर वो चलान तो हो गया ना? चलान हो गया तो अभी मैंने क्रॉस तो नहीं किया, अभी मैं इधर ही खड़ा हूँ।
शायद सर हमें ज़रूरत है इन रवैयों को अपनाने की, जो गलतियों को अपनाने की। नहीं जी, वो कह रहे हैं, बात करते हैं आगे। नाज़रीन ये देखें, ये गाड़ी गुजरी है। होता यूँ है कि जब सिग्नल से पीछे जो लाइन होती है, जो दरमियान में आपको वाइट लेन नज़र आ रही है, ये पॉजेस के साथ होती है। इसका मतलब होता ये है कि आप लेन्स को स्विच कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जब हम इशारे के पास पहुँचते हैं, होता यूँ है ये लाइन कॉन्स्टेंट हो जाती है और उसके बाद आप अपनी लाइन को स्विच नहीं कर सकते, आप दूसरी लेन में आ नहीं सकते। ये देखें एक और शहरी है, ये स्टॉप लाइन है और स्टॉप लाइन से आगे खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप स्टॉप लाइन से आगे हैं, वो पीछे कैमरा लगा हुआ है, चलान आ गया तो? सर इशारा खुला हुआ था तो अचानक ही आगे आ गया, नहीं तो पीछे ही था। अगर तो चलान आ गया फिर क्या करेंगे? कितने चलान हुए आपके पहले? पहले तो अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ, चलें जी आज फिर बिस्मिल्लाह होगी, इसका मतलब है अब इनको चलान होगा। वो कहते हैं कि इशारा खुला हुआ है, इशारे की वायलेशन तो इन्होंने की नहीं है, सिग्नल जंपिंग नहीं हुई है, ये इन्होंने स्टॉप लाइन की वायलेशन की है, जो कि इनको मेरे ख्याल से पता ही नहीं है। और अवाम को जो शऊर जो है वो बेसिक चीज़ है रोड यूजिंग के लिए, अच्छे रोड यूजर को इशारा खुल गया। मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा, वो लोगों को बताएंगे कि लेन लाइन वायलेशन क्या है। ये देखें जो लोग डबल डबल लाइंस में गाड़ियां जा रही हैं, ये देखें इस गाड़ी ने भी अपनी लेन को वायलेट किया है। रूल के मुताबिक जब लाइन कांस्टेंट हो जाती है, वाइट लाइन में तो गैप नहीं होता। ये देखें, ये देखें, ये गाड़ी भी कर गई है वायलेशन। ये रॉन्ग टर्न है बक्सर, ये पीछे हमारा बोर्ड लगा हुआ है कि नो यू टर्न। अच्छा, इन्होंने यू टर्न लिया। हाँ जी, कि वहाँ पे लिखा है, हाँ जी रॉन्ग टर्न की है। ये भी सेफ सिटीज अथॉरिटी। सर पता ही नहीं चला, सॉरी। क्यों नहीं पता? कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं आप? सर अरसे से चला रहे हैं, लेकिन लाहौर पहली लाइसेंस बना ना आपका? पहली दफा, पहली दफा लाहौर पहली दफा आए हुए हैं, सॉरी सर। अब क्या होगा सर इनका? ये तो सॉरी कर रहे हैं, लेकिन सेफ सिटीज के कैमरा जो है वो सॉरी ना एक्सेप्ट करते हैं। वो कैमरे लगे हैं और आपका चलान आएगा, वो देख रहे हैं। और इनका 100% जो है वो चलान हो चुका हुआ है। क्यों आता है चलान? गलतियों से आता है ना सर? जी मानते हैं सर, अपनी गलती मानते हैं। आप शहरी अच्छे, आप मान गए आपकी गलती, लेकिन सेफ सिटी ने इनका चलान कर दिया। चलान आ गया उसकी माफी को नहीं है। चले जी, उन्होंने अपनी गलती मानी है। ले जी नाजरीन, यहाँ पे पीछे बोर्ड लिखा हुआ है कि हमने यू टर्न नहीं लेना, हमने यू टर्न मना है। यहाँ पे एक फैमिली पूरी सवार है और इन्होंने यू टर्न ले लिया है। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यार आप तो है ही बच्चे, आप तो अंडर एज, आप बाइक क्यों चला रहे हो? वैसे मैम छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, खुदा ना खास से एक्सीडेंट हो गया, क्या करेंगे आप? तो आप प्लीज ये वीडियो चलान बेशक ना हो, चलान नहीं होगा आपका, आप कैमरे में नहीं आ रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, खुदा ना खास घर में आप जाएंगे कि आप कमो बेस हेलमेट तो बना दे उन्हें, हेलमेट तो बना सकती है ना, हेलमेट बना सकते हैं, लेकिन जब इंसान में इमरजेंसी होती है तो कुछ नजर नहीं आता। ट्रैफिक रूल्स किसके लिए बने हैं? सॉरी टू से, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे इंशाल्लाह की। जी सिग्नल की लास्ट में बात कर रहा था कि यू टर्न नहीं ले सकते, वो लिखा है कि आपने यू टर्न नहीं लेना, फिर जब आप यू टर्न लेंगे तो ई चलान तो होगा, क्योंकि कैमरे ने माफी नहीं देनी। आप किसी वार्डन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कैमरे से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। कैमरे ने माफी नहीं देनी, कैमरे ने आपको चलान करना है और चलान लाजमी पे करना पड़ेगा। नाजरीन बाकी वायलेशन आपने देखी, अभी मैं आपको एक ऐसी वायलेशन जिसे वन वे वायलेशन कहते हैं, लोग वन वे वायलेशन करते हैं और कहते हैं कि भाई जान हमने वायलेशन नहीं की, और आपको भी लगेगा ये कि वायलेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो वायलेशन है, और वो वायलेशन कमो बेश 200 रुपये आपको चलान हो रहा है, 200 रुपये आपकी जेब पर बारी गुजरेंगे और वन वे वायलेशन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक दो वन वायलेटर से और उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। नाजरीन ये देखें, वन वे वायलेशन करते हुए वन वे वायलेटर भी, अंडर एज ड्राइवर भी, हेलमेट भी नहीं, तीन तीन चार चार ऑफेंसेस। अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये देखें अंडर एज बच्चे, पता नहीं एक का तो पाँव सही ज़मीन पे नहीं लगता और वो बाइक चला रहा है। बात करते हैं इनसे। जी राणा साहब बताइएगा क्या वजह इनकी, ये बच्चे आ रहे हैं, आप ही वन वे वायलेटर हैं और है भी अंडर एज हैं। जी सर ये वन वे वायलेशन कर रहे हैं, ये पीछे सेफ सिटीज के कैमराज लगे हैं जो इनका वन वे का चलान करेंगे, और चलान हो चुका हुआ है इंशाल्लाह। घर जब जाओगे अभी, अगर अंकल ने छोड़ भी दिया, चलान ना भी हुआ, मोटरसाइकिल की तस्वीर घर जाएगी कि आप वन वे बाइक चला रहे थे, आप अकेले थे, आपने हेलमेट नहीं था पहना हुआ, घर से मार पड़ेगी? मार पड़ेगी, इतनी ज़्यादा पड़ेगी। किस चीज़ से मार पड़ेगी? उन्होंने कहा गए क्यों थे, गए क्यों थे, बाबा मारेंगे मामा मारेंगे, दोनों ही मारेंगे। बाइक किसकी है? ये पापा की। तो पापा तो बेटा फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कितनी एज है तुम्हारी? 15 साल।
15 साल की हो, घर से मार भी पड़ेगी। अभी वो सर आ जाते हैं सर, इधर ही हैं। सर ने माफ़ी तो नहीं देनी क्योंकि चलान तो हो गया, अंकल से माफ़ी ले लेंगे, लेकिन वो पीछे लगे हुए कैमरे ने तो माफ़ी नहीं देनी, मार तो पड़ेगी। इनका जो सीसीटीवी ने चलान तो करना ही करना है, जो ट्रैफिक पुलिस लाहौर है वो ये कम उम्र जो बच्चे चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनकी हौसला शिकनी भी करती है, गाड़ियां बंद करते हैं और वालदैन को बुलाते हैं, उनसे एफिडेविट लेते हैं, उसके बाद इनकी गाड़ियां छोड़ते हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं इनका कसूर तो है, साथ में इनके वालदैन का भी कसूर है। बिल्कुल, उनको भी नज़र रखनी चाहिए कि उनकी जो औलाद है वो क्या कर। ऐसा वायलेटर मिला जिसे पता ही ना मेरे चलान होते हैं? जी जी होता है, लोग समझते हैं कि जो कैमराज लगे हुए हैं शायद ये डमीज हैं, ये काम नहीं करते। अच्छा। एक दिन हमने एक गाड़ी रोकी। अच्छा। तो उसके 106 चलान थे, हमें ब्रीफ किया गया इस गाड़ी को रोके, हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वो भाग गया, हमने उसको चेज करके आगे पकड़ा तो उसके ना 106 चलान पहले हो चुके थे। अच्छा। तो रीगल चौक का सिग्नल भी उसने वायलेट किया, 107 हो गए, हमने आगे गाड़ी जो है वो रोक ली, पकड़ ली, तो उसे कहा भी आप क्यों भाग रहे हो, तो उसने कहा जी अब मैं परेशान हो गया था, डर गया था। हमने कहा भी आपके चलान है 107 चलान आप आपके हो गए, पहले 106 थे, तो आपका फाइन हो गया 50,400 रुपीज़। अच्छा। तो उसने कहा वो कैसे, मैंने कहा आप सिग्नल वायलेट करते हैं, तो उसने कहा मैं तो रात को करता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये 24 आवर्स जो है ये अच्छा, काम करते हैं। समझ रात को जी कैमरे जी नहीं चलते। फ्री है, तो मैंने कहा ये 24 आवर्स काम करते हैं, आप जब भी मूव करेंगे कैमरा काम कर रहा है। तो इसको उसने कहा मुझे लोगों ने मिस गाइड किया कि ये कैमरे काम ही नहीं करते, लोगों ने मिस गाइड लोगों ने किया लेकिन पैसे मैंने ही देने। जी जी, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, लोग जो मर्जी कहें मिस गाइड करें, रात को कैमरे नहीं चलते लेकिन कैमरे चलते हैं और चलान भी आप ही ने देने हैं। अगर आपने बंद किया फिर ना, अच्छा थाना मजांग में बंद किया और उसने बड़ी कोशिश की, सिफारिशें भी करवाई लेकिन हमारे कोई ऑफिसर जो है उनको किसी ने जो है वो फेवर नहीं दी। नहीं नहीं, ये नहीं बात, हम चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड ये कार्रवाई हो, ये सब के लिए कहते हैं क्वालिटी नहीं है, यहाँ सबके लिए क्वालिटी है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई लॉयर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई बासर आदमी है, कोई पॉलिटिशियन है, वजीर है, सबके चलान हो रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड और लोग जमा करवाते हैं, हम यहाँ रोकते हैं बासर लोगों को भी और लोग जमा करवाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये तो 5 वायलेशन थी जो मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा भी बहुत सी वायलेशन हैं जो हम ऑन रोड करते हैं और हम समझते हैं कि रात को अगर हम वायलेशन कर रहे हैं तो कैमरा कैप्चर नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैमरे 24 घंटे चलते हैं सेफ सिटी के, आप वायलेशन करते जाएंगे आपके घर ई चलान आते जाएंगे, बेहतर इसी में है कि दूसरों की मालो जान के तहफ़ और अपने मालो जान के तहफ़ के लिए कि वायलेशन ना करें, ऑन रोड तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं बोलें, सेफ़ रहें सेफ सिटी के साथ। मुझे उमर वक्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।